दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको एक चीज में बताना चाहूंगा कि ट्रैक एंड प्ले यूट्यूब चैनल पे आने वाला हर कंटेंट केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और यहाँ पे किसी भी लीगल एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं दिया जाता। यहाँ पे केवल और केवल सेटअप उसके सॉफ्टवेयर की अपडेट दी जाती है, जो भी इसमें इशू होता है उसको सॉल्व किया जाता है। और अगर इस चैनल पे दिखाए गए किसी भी कंटेंट का कोई मिसयूज करता है तो उसके लिए मैं या फिर ट्रैक एंड प्ले यूट्यूब चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रैक एंड प्ले के एक नए और फ्रेश वीडियो में। तो आज का ये जो वीडियो है ये होने वाला भाई आपके 1506T क्लैन 8007 या फिर वीजॉन 8009 रिसीवर के लिए, ठीक है। वीडियो को पूरे देखते रहना, साथ में रिक्वेस्ट आपसे ये भी करूँगा कि वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, शेयर करते हैं अपने सारे दोस्तों के साथ। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो किसी भी सेट टॉप बॉक्स के लिए अगर आपको नया वाला लेटेस्ट वाला नया सॉफ्टवेयर चाहिए तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ में बेल वाला आइकन आपको मिलेगा उसको भी जरूर से प्रेस कर दो। सबसे पहले तो ये इंटरफेस वाला सॉफ्टवेयर मैंने आपको दिया था 1506T के लिए, ठीक है। अगर आप अभी भी इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर हैं तो बिल्कुल आप USB से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि नया सॉफ्टवेयर में दे रहा हूँ। और अगर आपने कोई और सॉफ्टवेयर कर लिया है चेंज तो कोई इशू नहीं है, आप कस्टमर आईडी एक बार मैच कर लीजिएगा। आप प्रोसेस बताया है, वीडियो बनाए हैं मैंने इस चैनल पे डाले हैं कि कैसे कस्टमर आईडी चेंज करके मैच करनी है, वैसे आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपका RS232 या प्रोग्रामर से तो वो हो ही जाएगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सॉफ्टवेयर की फाइल मिल जाएगी, वहां से आपने सॉफ्टवेयर की फाइल कर लेनी है डाउनलोड। उसके बाद जाना है यहाँ पे आपको अपग्रेड पे, अपग्रेड पे जाने के बाद USB कार्ड अपग्रेड, और यहाँ पे आपको पेन ड्राइव अपना करना है सिलेक्ट। और पेन ड्राइव सिलेक्ट करने के बाद ये वाली आपको मिलेगी 1506T न्यू RCU 2024 बाई RMS.bin, ये वाली फाइल आपको मिलेगी। यहाँ पे करना है आपने इसको सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका USB के थ्रू इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। वार्निंग आपको यहाँ पे देना चाहूंगा मैं छोटी सी, अगर किसी भी सेटअप उसमें USB से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं या फिर करते हैं और उसके उसी दौरान अगर आपका पावर कट कहीं हो जाता है तो फिर आपका डब्बा ब्रेक हो सकता है, आपका रेड लाइट के ऊपर जा सकता है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए कोशिश ये करिएगा जब भी आपका सेटअप बॉक्स में कोई भी USB के थ्रू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं आप, तो उस दौरान आपका पावर कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं करें तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे भी अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाला आइकन आपको मिलेगा उसको भी जरूर से प्रेस कर देना। फिलहाल हमारा रीड डाटा हुआ, पहले इसने फाइल को रीड करा, उसके बाद फ्लैश जो था उसको इरेज करा, उसके बाद फ्लैश को अपडेट कर रहा है, और उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप जो है वो यहाँ पे रीस्टार्ट जो हमारा सिस्टम है वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 100% हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट, और हमारा सेटअप हो चुका है यहाँ पे रीस्टार्ट। और रीस्टार्ट होने के बाद एक बार बूट लोगो आने देते हैं। जी हाँ, हमारा ट्रैक एंड प्ले आ चुका है बूट लोगो, और प्रॉपरली हमारा जो है वो सेटअप बॉक्स यहाँ पे हो चुका है बूट अप, ठीक है। नेटवर्क कनेक्शन सक्सेस का यहाँ पे पॉपअप आ चुका है, मतलब ऑटो कनेक्ट यहाँ पे वाईफाई हमारा हो चुका है। ले चलता हूँ सीधा आपको मेन मेन्यू में, तो ये इंटरफेस आपको मेन मेन्यू का यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले ले चलता हूँ सेटिंग में। सेटिंग में ले जाने के बाद यहाँ पे वर्जन की बात करें तो ये है 1506T वर्जन 1.0 OTP के लिए, और अगर मैं इसके बिल्ड डेट की बात करूँ तो 3/1/2024 इसी महीने 3 तारीख का ये अपडेट आपको 2024 का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको इंस्टॉलेशन में, और इंस्टॉलेशन में ले जाके यहाँ पे एंटीना सेटिंग में दिखाऊँ तो ऐसा कुछ आपको जो है सिग्नल स्ट्रेंथ और सिग्नल क्वालिटी का इंटरफेस या फिर सिग्नल क्वालिटी और सिग्नल स्ट्रेंथ जो है उसका UI देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सैटेलाइट लिस्ट मिल जाएगा, ट्रांसपोंडर लिस्ट मिल जाएगा, मोटर सेटिंग लिमिट सेटअप ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करूँ अगर मैं चैनल की तो यहाँ पे चैनल मैनेजर, फेवरेट लिस्ट, चैनल सेटअप और डिलीट ऑल चैनल का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करूँ अगर मैं सेटिंग की तो सेटिंग में सबसे पहले टाइमर, चाइल्ड लॉक, डेट एंड टाइम, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे वाईफाई के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, बायर नेटवर्क के थ्रू आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब USB थैदरिंग के थ्रू भी आप इंटरनेट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं अपने डायरेक्टली अपने मोबाइल के थ्रू। उसके बाद फैक्ट्री रिसेट मिल जाएगा, अपग्रेड मिल जाएगा, अपग्रेड में आपको USB कार्ड अपग्रेड और STTP अपग्रेड इसको ट्राई मत करना, USB कार्ड अपग्रेड के थ्रू ही आपका सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल आप कर सकते हैं। ऑटो स्टैंडबाय मिल जाएगा, ऑडियो वीडियो का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, अपने हिसाब से आप कॉन्ट्रास्ट वगैरह या ब्राइटनेस वगैरह सेचुरेशन वगैरह या अपने हिसाब से जो भी आपको कुछ यहाँ पे चेंज करना है वो आप कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे ऑडियो वीडियो में सबसे नीचे आपको मिल जाएगा लर्निंग न्यू RCU, यहाँ पे ये वाला फीचर जो है वन ऑफ द बेस्ट फीचर मुझे लगा हेलो बॉक्स की तरह, जैसे हेलो बॉक्स के रिसीवर में ये फीचर आता है। अगर आपका रिसीवर मतलब रिमोट जो है आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आप नया रिमोट कोई लेके उसको पेयर कर सकते हैं नए रिमोट को इस सेट टॉप बॉक्स में, पूरे
की कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी ऑडियो बटन के साथ साथ, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आप यूज़ पक्का कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पे OSD लैंग्वेज वगैरह अगर आपको चेंज करनी है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह आपको चेंज करनी है तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। PVR कॉन्फ़िगरेशन का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और न्यू RCU अगर आपको पुराना यूज़ करना है तो उसको ऑफ कर दीजिए, नया यूज़ करना है तो उसको ऑन कर दीजिए। जो भी आपने नया ऐड करके रखा होगा, रिमोट पेयर करके रखा होगा, वो फिर उसके बाद काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपके मल्टीमीडिया की। तो मल्टीमीडिया में यहाँ पे मल्टीमीडिया सेटिंग और उसके बाद कूरा, एक IPTV सर्विस है एक्चुअली। कूरा सही है, काम करता है, अपने हिसाब से एक बार चेक कर लेना। IPTV का मतलब होता है कि आपके पास एक हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। हाई स्पीड इंटरनेट अगर आपका हुआ तभी ये प्रॉपर काम करता है। उसके बाद IPTV का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन जो है IPTV के देखने को मिल जाएंगे। N+ IPTV है, Force TV है, Qt IPTV है, Dragon Pro, HaHaTV, Marvel, X IPTV, UTV IPTV, Extreme IPTV। हाँ, Extreme IPTV का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अपना अगर आपके पास अकाउंट वगैरह है, यूजर नेम पासवर्ड है, तो अपने हिसाब से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। Maven IPTV मिल जाएगा, Mega IPTV, काफ़ी सारे हैं, एक बार आप इसको ट्राई कर लेना, ओके। उसके बाद बात करूँ मैं, पैच ऑप्शन मिल जाएगा आपको। पैच में BizKey है, इडाटो है, क्रिप्टोवर्स है, नेग्राविजन है, बाइक्स है, पावर व्यू है, टैंडवर्ग है, अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो कुछ आप करना चाहें कर सकते हैं। DQ कैम का ऑप्शन मिल जाएगा, चेक कर लेना काम करता है कि नहीं करता। GoSet Plus वर्जन 3 का मिल जाएगा आपको यहाँ पे अपडेट इसका। और उसके बाद ड्रैगन नेटवर्क का भी आपको एक प्री इंस्टॉल्ड जो सर्वर है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद IPTV, हाँ वही खुलता है यहाँ पे, एक शॉर्टकट बना दिया गया है, अपने हिसाब से आप चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे वाईफाई बता दिया मैंने आपको, एक मिनट अब ये, हाँ वाईफाई मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद यहाँ पे ई-कास्ट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसको भी अगर आप QR कोड को स्कैन करेंगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ई-कास्ट आप यूज़ कर सकते हैं। बात करें अगर यूट्यूब की, तो यूट्यूब एक बार चेक कर लेते हैं भाई, नया अपडेट है 2 दिन पहले का, तो इसलिए यूट्यूब तो बिल्कुल API इसके अपडेट होंगे ही, पर एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है, थोड़ा अपना कैश बनाने में, मेमोरी बनाने में, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे यूट्यूब जो है वो काम कर रहा है भाई प्रॉपर, ओके। तो ये है सॉफ्टवेयर आपका। और उसके बाद मैं आपको ले चलूँ सीधा चैनल इन्फो पे, तो ये कुछ आपको चैनल इन्फो का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऐसा कुछ करके। और अगर मैं चैनल लिस्ट की बात करें तो ऐसी कुछ आपको चैनल लिस्ट देखने को मिल जाएगी। कोई चैनल अगर BizKey के ऊपर है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप अगर 0 प्रेस करेंगे तो BizKey डायरेक्टली ही आप यहाँ पे ही एंटर कर सकते हैं, या फिर चैनल इन्फो पे ही आप डायरेक्टली यहाँ पे 0 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ही आप BizKey ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला अपडेट आपको 1506 टी रिसीवर के लिए जरूर से पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, शेयर करते हैं अपने सारे दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर पहली बार यहाँ वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाला आइकन आपको मिलेगा, उसको भी जरूर से प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ठंड से बचे रहिए, बीमार मत होइएगा, बोलते रहिए भारत माता की जय।